मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा सुबह 11 बजे विधानसभा भोपाल में मध्य प्रदेश का बजट 2022-23 प्रस्तुत कर दिया गया है। प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होनहार छात्रों के लिए क्लास लाभदायक हो सकती है। इस छोटी सी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, जिससे मुझे समझ में आए कि मैं कितने गंभीर छात्रों से रूबरू हो रहा हूँ। क्या आप भी भीड़ का हिस्सा हैं या वास्तविकता में आपको इन टॉपिकों का महत्व मालूम है? मेरा पहला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार फरवरी के माह में बजट पेश करती है, लेकिन राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार मार्च के माह में बजट पेश कर रही है, इसका पीछे का कारण क्या है? मेरा तीसरा प्रश्न ये है, शिवराज सरकार का है कौन से नंबर का बजट है? और मेरा चौथा प्रश्न ये है कि किस वित्त मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया गया है? यदि आपको इन सवालों के जवाब आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा और मुझे बहुत खुशी भी होगी कि मैं बहुत अच्छे छात्रों से रूबरू हो रहा हूं। और यदि आपको इन सवालों के जवाब नहीं आते हैं तो मैं वीडियो के कहीं बीच में इन सवालों के जवाब दूंगा। अगर आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो पक्का इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करता हूँ मैं क्लास को। बजट सत्र मध्य प्रदेश का चालू हो गया है। 9 मार्च को बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट सत्र का बहिष्कार करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि हम बहिष्कार करेंगे इस सत्र का, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के हैं विधानसभा में, कमलनाथ जी ने कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है, जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में ही कुछ मतभेद हो चुका है मध्य प्रदेश की कांग्रेस में, जिसका सीधा सा जो रिजल्ट है वो बजट भाषण के दौरान देखने को मिला था। जब देवड़ा जी भाषण दे रहे थे तो कांग्रेस यानी विपक्षी ने उनको भाषण नहीं देने दिया। हंगामे के बीच यह बजट प्रस्तुत हुआ था। बजट जब प्रस्तुत होता है तो उसके एक दिन पहले पिछले साल के बजट का लेखा जोखा भी विधान पटल के सामने रखा जाता है। उस लेखा जोखा को इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। तो अगर ये बजट 2022-23 है तो इकोनॉमिक सर्वे हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो 2021-22 होगा। तो मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 है। हालांकि मुझे इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन बच्चों समय के अभाव के कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पाया हूँ, पर बहुत जल्द इसी बजट के समान इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो आपके पास होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं और ध्यान से देखिए जाइए क्लास को। फैक्ट की क्लास है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं कॉन्सेप्ट भी देता जाऊँगा। इकोनॉमिक सर्वे कब आया है तो आप ये 2021-22 का आया है, 8 मार्च है ना, इस पर वीडियो बना दूंगा मैं बहुत जल्द। ये फैक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है, जबकि जो कुल व्यय है वो लगभग 2,47,000 के आसपास प्राप्त होने के चांसेस हैं। जनता की सहभागिता के आधार पर यह बजट प्रस्तुत हुआ है, इसीलिए इसे जनता बजट भी कहा जा रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इतने सारे माध्यमों में सुझाव मंगाए गए थे, उसमें से कुल 53 ऐसे सुझाव थे जो डाक के द्वारा आए थे। तो आप समझ सकते हो कि ये डाक का अभी भी महत्व बना हुआ है, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये जो 53 सुझाव आए हैं ये बहुत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों से आए होंगे, जहां अभी भी तकनीक मोबाइल और लैपटॉप नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा सुझाव वेबसाइट के द्वारा दिए गए हैं। इससे ये समझ में आता है कि हमारे आम जीवन में वेबसाइट का यूज और संप्रेषण के लिए तकनीक का यूज कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। मध्य प्रदेश के बजट को चाइल्ड बजट के रूप में भी दर्शाया जा रहा है। बजट के कई सारे प्रकार होते हैं। जीरो बजट होता है, परफॉर्मेंस बजट होता है, जेंडर बजट होता है। जेंडर बजट को जेंडर इंक्लाइन बजट नहीं कहते हैं। जेंडर बजट जिसमें महिलाओं के लिए ज़्यादा सहूलियत हो जाए, लेकिन कुछ लोग इसे जेंडर इंक्लाइन समझ लेते हैं। जेंडर बजट जेंडर सेंसिटिव होता है। अब सर, जेंडर सेंसिटिव और जेंडर इंक्लाइन में क्या अंतर है? आप ऐसे समझिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसी एक ज़िले के लिए, जैसे इंदौर, रात में जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है गाड़ी के साथ, उसके खर्चे के लिए बजट का प्रावधान किया। तो मुझे जवाब देकर बताइए आप, जो प्रावधान किया गया है पेट्रोलिंग के लिए, हालांकि उससे पुरुष और महिला दोनों सुरक्षित होंगी रात में, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षा कौन महसूस करेगा? तो आप बोलेंगे महिला, पुरुष की अपेक्षा। तो बजट तो सबके लिए प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये बजट महिलाओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि यह जेंडर सेंसिटिव है। जेंडर इंक्लाइन क्या होता है?
जेंडर इंक्लाइन ये होता है कि यदि सरकार केवल महिलाओं से संबंधित शौचालय बनवाए तो उसमें पुरुष का जाना वर्जित हो जाएगा, तो बोलेंगे जेंडर इंक्लाइन बजट है। लेकिन चौराहे पर एक ऐसा शौचालय बनाया गया है जो कॉमन शौचालय है, जैसा कि नगर निगम इंदौर में आप लोग देखते भी होंगे, तो वो जो कॉमन दिख रहा है वह कॉमन जेंडर इंक्लाइन नहीं होगा, वो जेंडर सेंसिटिव होगा। क्योंकि पुरुष टॉयलेट की व्यवस्था अपनी कहीं ना कहीं कर लेता है, महिलाओं के लिए समस्या होती है, तो महिलाएं उस टॉयलेट से ज़्यादा फायदा महसूस करती हैं। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ बना तो सबके लिए है लेकिन महिलाओं को ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है, इसलिए जेंडर सेंसिटिव। ऐसे ही चाइल्ड बजट आया है, ये चाइल्ड सेंसिटिव बजट नहीं है, ये चाइल्ड इंक्लाइन बजट है। बच्चों के लिए, बच्चों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, खेल कूद के लिए, कला के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है और अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं। प्री के लिए आपको कुछ योजनाओं के नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीएम राइज योजना। सीएम राइज योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। इस प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कुल 360 स्कूल नए बनाए जाएंगे और यह पहले क्षेत्र का काम होगा, अभी बनाए नहीं गए हैं, बनाए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले से ही सरकारी स्कूल हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए था और सभी स्कूल में बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाए, और इस बायोमेट्रिक सिस्टम में जो अंगूठा है वो टीचर के साथ साथ उस स्कूल के बच्चों को भी लगवाना चाहिए। तो इसके दो फायदे होंगे, ऐसे नालायक और कामचोर टीचर जो स्कूल नहीं जाते हैं, सप्ते में दो दिन स्कूल जाते हैं, पाँच दिन गुलछर्रे उड़ाते हैं, उनको निरंतर स्कूल जाना पड़ेगा और इस बायोमेट्रिक का सिस्टम सीधे जिलाधीश के पास कनेक्ट कर दिया जाए। और दूसरा इसका फायदा हो जाएगा कि ऐसे प्राइमरी संस्थान के प्रिंसिपल जो माध्यान्ह भोजन योजना के लिए आए हुए पैसे को इस नाम से हड़प जाते हैं कि हमने बच्चों को खाना खिलाया है, सबको मालूम है कि गाँव के स्कूल का बच्चा गाँव में पढ़ने ही नहीं जाता है, तो जो पैसा आता है वो पूरा हड़प कर जाता है। अगर बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाएगा और बच्चों को अंगूठा लगवाया जाएगा तो आप सोचिए कि जो प्रिंसिपल उस स्कूल का है उसे पर डे उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर अंगूठा लगवाना पड़ेगा, अगर एक भी दिन बच्चा एब्सेंट हुआ तो कलेक्टर साहब को मालूम चल जाएगा। तो वो टीचर, वो प्रिंसिपल चाहेगा कि भैया इस गांव के सभी बच्चे स्कूल आए, मैं कब तक किसके घर घर में जाके अंगूठा लगवाऊंगा। ये काम ना करते हुए सरकार ने फिर से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसे सीएम राइज योजना कहते हैं। मुझे लगता है ये उतना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा जितना बायोमेट्रिक कॉन्सेप्ट सिद्ध हो सकता था, खर्चा भी कम आता। दूसरी योजना है अनुगूज योजना। अनुगूज योजना कला शिक्षा से संबंधित है, ऐसे लोग जो नाच गान सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे संबंधित लोगों को, जो अपनी लोक कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनसे संबंधित लोगों को अनुगूज योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर आती है नव भारत साक्षरता योजना। नव भारत साक्षर योजना प्रौढ़ शिक्षा संबंधित है, बड़े लोगों को सिखाएगी। ऐसे व्यक्ति या बच्चे जो 15 साल से अधिक हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित कर 2030 तक उन्हें साक्षर बनाने का प्रयास किया जाएगा। मैं इस पहल का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं इस बजट के अंतर्गत। और भी कई सारी योजनाएं हैं जो आपको समझनी होंगी, जैसे प्रखर योजना। प्रखर योजना ऐसे बच्चों के लिए है जो स्वावलंबी होना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार प्रखर योजना लाई है। सरकार ने इस बार शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की है। पिछली साल 25,000 करोड़ के आसपास पैसा दिया गया था, इस बार 27,000 करोड़ के आसपास वो पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये अच्छा लगा कि इस बार शिक्षा में अच्छा काम किया जा रहा है। भारत में अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में आपने नाम सुना हो विवेक सागर, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये बजट में नाम लिए गए हैं और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है। जैसे विवेक सागर हॉकी से संबंधित हैं, ऐश्वर्य प्रताप 50 मीटर थ्री पोजीशन से संबंधित हैं, मुस्कान किरार तीरंदाजी संबंधित हैं, अमित कुमार यूथ तीरंदाजी संबंधित हैं, इनके नाम बजट में लिए गए हैं जो मैंने आपको सुना दिए हैं। इसका फ़ायदा भी होना है, ये पीएससी पूछ सकता है क्योंकि खिलाड़ियों के नाम और खेल के नाम वो पूछता है। इसके अलावा कुछ हाई शिक्षा से लेके इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, बनाए जाएंगे। कौन कौन बनाए जाएंगे? तो इंदौर बनाया जाएगा, ग्वालियर बनाया जाएगा, उज्जैन बनाया जाएगा, जबलपुर बनाया जाएगा और भोपाल बनाया जाएगा। ये पांच ऐसे शहर हैं जिन्हें इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए।
मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ बच्चों कि उच्च शिक्षा से संबंधित मध्य प्रदेश में नैक, नैक का मतलब एक ऐसी संस्था जो UGC के द्वारा संचालित होती है, 1994 में स्थापित हुई है। यह महाविद्यालयों और विद्यालयों की रेटिंग को डिसाइड करती है। सबसे बड़ी इसकी रेटिंग जो होती है वो A++ होती है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा विद्यालय है जिसे इसने A+ रेटिंग दी है, उसे कहते हैं उज्जैन का माधव विज्ञान विद्यालय। इसे हम शॉर्ट में नैक कहते हैं। UGC के द्वारा यह चलाई जाती है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो लगभग 104 विद्यालयों को इसने लिस्टिंग किया है, जिसमें सबसे सर्वोच्च नंबर उज्जैन के माधव विज्ञान विद्यालय के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश में खेलो बढ़ो यूथ जो योजना है, जो प्रोग्राम होने वाला है, खेलो यूथ प्रोग्राम होने वाला है, वह भोपाल में होगा, नाथू बरखेड़ा में। तो जो नया इवेंट होने वाला है जिसमें 12,000 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भोपाल में होने वाला है और यह मध्य प्रदेश की अच्छी पहल है। खेल कूद के लिए मैं इसकी सराहना करता हूँ। तो चाइल्ड बजट से संबंधित जो भी प्रोग्रेस है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। इससे ऐसे प्रश्न बनेंगे ये भी मैंने दर्शा दिया है, तो जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पर इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। अब राजकोषीय स्थिति की बात समझिएगा कि राजकोषीय स्थिति को कैसे हमें प्रश्न से कोरिलेट करना है और कैसे इस चीज़ को समझना है। मध्य प्रदेश का जो राजस्व घाटा है वो लगभग 3,500 करोड़ के आसपास है। राजस्व घाटा तब आता है जब राजस्व आय राजस्व खर्चे से कम हो जाती है। राजस्व खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे ना तो देयताएं कम होती हैं और ना ही पूंजी का निर्माण होता है। जैसे मैं तुम्हें अगर पेंशन देता हूँ, मैं तुमको अगर सैलरीज देता हूँ, तो जो भी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है यह वास्तव में पूंजी निर्माण में सहायक नहीं है, वह वास्तव में लोक व्यवस्था में सहायक है। यदि कोई कर्मचारी पूंजी निर्माण में लगा हुआ है, रोड बनाने में लगा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि यह पूंजीगत खर्च है, और अगर वह लोक व्यवस्था में लगा है तो मैं कहूँगा यह राजस्व खर्च है। तो राजस्व खर्चे ऐसे होते हैं जिसमें ना तो कर्जा कम होता है और ना ही कोई पूंजी का निर्माण। पूंजी ऐसा अनिवार्य तत्व होता है जिसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं। जैसे पेन है, पेन का मैं एक बार खरीद लूँ, मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, तो पूंजी कही जाएगी। और अगर आप चाय पी लो, चाय को एक बार पी लो, दोबारा नहीं पी सकते, तो उसका मतलब वो राजस्व खर्चा है। तो चाय पीना राजस्व खर्चा और पेन खरीदना पूंजीगत खर्चा है। तो राजस्व घाटे की बात कर रहे हैं हम। राजकोषीय अगर घाटा देखते हैं तो वह हमारे सकल घरेलू घाटे के सीमा के प्रतिशत में देखेंगे तो 4.56% की हिस्सेदारी है। मतलब अगर हमारे पास 100 रुपये आता है हमारे पास, और हमारा खर्चा है तो खर्चा हो जाएगा हमारा 104। मान लो कमाया 100, खर्चा 104, तो 4 रुपये हमने उधार लिए। यही उधारी हमारी राजकोषीय घाटा कहलाती है। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू मार्केट बोरोइंग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं बोलूँगा राजकोषीय घाटा, समझना बाजार की उधारियाँ। फिर राज्य के कुल बकाया परादय ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अगर देखेंगे तो 30.18% के आसपास है कुल GDP का, स्टेट की GDP का। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में जो ब्याज का भुगतान है वो लगभग 11% के आसपास है। ये दो आंकड़े आप जरूर याद करके जाइएगा, एग्जाम में आपके काम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2022-23 एक नज़र में अगर हम देखना चाहें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सिर्फ देख लीजिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा इससे तो नहीं आएगा प्रश्न, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाले पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सागौन के वृक्ष के लिए पूछा गया था, प्रतिशत वृद्धि और कमी पूछता है वो। जैसे कुल प्राप्तियां अगर हम पिछले की अपेक्षा देखेंगे तो इस बार 15% वृद्धि हुई है। सीधी सी बात है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल मध्य प्रदेश की कमाई अच्छी हुई है, कोरोना काल में भी तारीफ काबिल है। राजस्व की कुल प्राप्तियां अगर देखें, पूंजीगत कुल प्राप्तियां देखें, तो राजस्व की कुल प्राप्तियों में 19% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लोगों ने अच्छा खासा टैक्स दिया है। और मध्य प्रदेश ने हाल ही में जल के ऊपर टैक्स लगा के 540 करोड़ रुपये वसूले थे, तो ये तो कमाल है। टैक्स तो कैसे भी वसूला जा सकता है सरकार ने, और इतना तुम एक्साइज ड्यूटी लगा के रखे हो और स्टेट ड्यूटी लगा के रखे हुए, और ये सेल टैक्स लगा के रखे हुए, स्टेट सेल टैक्स लेती है डीजल पेट्रोल पर, तो इतना तो राजस्व आना ही था। पूंजीगत प्राप्तियां पिछले की अपेक्षा 5% ज़्यादा है, ये गलत बात है। पूंजीगत प्राप्ति बढ़ने का मतलब है या तो तुमने कर्जा लिया है या अपनी संपत्ति बेच दी है। तो अगर राजस्व प्राप्तियां बढ़ रही हैं तो अच्छा संकेत है, पर पूंजीगत प्राप्तियां भी बढ़ रही हैं तो ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है। कुल व्यय अगर देखा जाए तो वह 14% है, मतलब पिछली अपेक्षा आय भी ज़्यादा हुई है और पिछली की अपेक्षा व्यय भी ज़्यादा हुआ है।
यदि कोई सरकार ज़्यादा व्यय करती है तो वह कल्याणकारी राज्य की भूमिका में रहती है, तो ज़्यादा व्यय करना अच्छा है। लेकिन वह ज़्यादा व्यय कौन सा वाला होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि वर्तमान में जितने भी भारत के राज्य हैं उनको पूंजीगत खर्चे ज़्यादा करने चाहिए राजस्व खर्चे के अलावा। अब वो समय चला गया है कि हमें सब्सिडी देना है, हमको SC ST के लिए उत्थान करना है, अब वो किताबें बातें रह गई हैं। अब वो समय आ गया कि हमें रोड और कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, इंफ्रा पर ध्यान देना पड़ेगा। तो देखते ही देखते एक संक्रमण फिर चलेगा, लोग परेशान होंगे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये कहीं तक जायज़ नहीं है कि डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी फ्री दे दिया जाए दूसरे के टैक्स के अनुसार। मैं मानता हूँ कि वो फ्री देने से अच्छा है कि वो उसी प्रोडक्शन पर पैसा लगा दिया जाए जिससे बार बार वो पैसा खर्च नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा है राजस्व खर्च, तो पिछली की अपेक्षा राजस्व खर्चा भी बढ़ा है और पिछले की अपेक्षा पूंजीगत खर्चा भी बढ़ा है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो सभी चीज़ों में वृद्धि ही हो रही है। तो आप ये ध्यान रखना कि पिछले साल की अपेक्षा कितना क्या रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाले आंकड़े आपको याद करना ज़रूरी है, ये वाला आंकड़ा छोड़ दीजिएगा, ये तो 5 आंकड़े आपको याद करने ही करने हैं। मतलब याद का मतलब मोटा मोटा दिमाग में लेके जाना है। अगर मैं संसाधन की दृष्टि से देखता हूँ तो संसाधन की दृष्टि से देखिए कि कुल प्राप्तियाँ जो टैक्स में हुई हैं, तो कुल प्राप्तियाँ में 15% की वृद्धि हुई है, ये बात सही है। दूसरा, राज्य के जो कर हैं उसमें 12% की वृद्धि हुई है, और जो केंद्र हमको देता है उसमें 23% की वृद्धि हुई है। तो ये 3 पॉइंट तो आपको पूरी तरह से याद रखना ही रखना है। केंद्र से सहायता अनुदान में 25% की वृद्धि हुई है, केंद्र से सहायता अनुदान में। बाकी जो लोक ऋण में उसमें भी वृद्धि हुई है, और यहाँ पर ये कमी हमको देखने को मिल रही है। छोड़ दो इसको आप, अब आपको फोकस किस पे करना है। कुल प्राप्तियाँ बढ़ी हैं, राज्य का टैक्स बढ़ा है, केंद्र से मिलने वाला हिस्सा बढ़ा है, और केंद्र से अनुदान भी बढ़ा है। तो ये ध्यान रखना है 4 पॉइंट आपको बजट में। इधर आते हैं तो राज्य के मुख्य कर राजस्व कौन कौन से हैं। तो राज्य में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश की जो GST है, या बिक्री कर है, या प्रवेश कर है, बिलासिता कर है, उसमें 11% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश टैक्स कलेक्शन में अच्छा है। राज्य का जो उत्पाद शुल्क है वो 9% की वृद्धि दर से बढ़ा हुआ है। स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 26% की हम लोगों ने रिकवरी की है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल 26% ज़्यादा कमाई हुई है। वाहन कर पर आय तथा व्यय पर जो अन्य कर लगते हैं उस पर 30%, वाहन कर पर लगभग 3%, भू राजस्व और विद्युत जो शुल्क है उस पर हमने जो कमाई की है पिछले साल की अपेक्षा इस साल 46% अधिक कमाई की है। खनिज पर उपकर लगाकर 10%, और कुल अगर योग देखा जाए तो 12% के आसपास हमने पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा बढ़ोतरी की है टैक्स कलेक्शन में। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, ये भी पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब राज्य के प्रमुख जो कर हैं वो कौन कौन से कर हैं, देखो ध्यान से। खनिज से संबंधित जो लाभ हमने लिया है वो 18% लिया, वन से संबंधित जो लाभ लिया है वो 7% लिया पिछले साल की अपेक्षा। कुल योग अगर देखेंगे तो इनसे लगभग हमने 16% का लाभ लिया है, जो करेतर टैक्स हैं उनसे संबंधित, खनिजों से संबंधित। अगर मैं व्यय की बात करूं तो राजस्व व्यय पिछले साल की अपेक्षा 15% ज़्यादा रहा है इस बार में। देखिए बच्चों, ये फैक्ट है। अब अगर आपको ये नहीं मालूम कि राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, तो फिर बजट का क्लास भी क्यों देख रहे हो आप। मैं मानता हूँ कि बेटर क्लास वही देखने आया जिसे इन शब्दावलियों का नॉलेज है। फिर पूंजीगत व्यय 11% है, और कुल व्यय अगर देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा 14% के आसपास ये व्यय बना हुआ है। एक शब्द आएगा यहाँ पर, हेरिटेज मुद्रा नीति। ये ध्यान रखना है, हेरिटेज मुद्रा नीति क्या है। आदिवासियों के द्वारा जो मुद्रा बनाई जाती है उसको प्रमोट करने के लिए सरकार यह नीति बनाएगी। सरकार उनके इस जो पेय पदार्थ है उसको प्रोत्साहन करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सरकार का अगर राजस्व व्यय आप देखना चाहोगे पिछले साल की अपेक्षा और इस साल में, तो आप एक चीज़ का ट्रेंड पकड़ेंगे कि सरकार ने 2011 से लेकर और 2022 के दौरान अगर आप देखेंगे तो निरंतर राजस्व व्यय में वृद्धि ही की है। और मैं ये मानता हूँ कि राजस्व व्यय कल्याण को दर्शाता है। यदि राजस्व व्यय कोई सरकार ज़्यादा करती है तो इसका मतलब वह सरकार कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। लेकिन अगर पूंजीगत यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लेसर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यह भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं ये मानता हूँ कि यदि किसी अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए जीना है तो उसे इंफ्रा पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग भी इंफ्रा का ही भाग माना जाएगा, ना कि बिजली फ्री दे देना, किसानों का ऋण माफ़ कर देना, सब्सिडी दे देना। इससे अर्थव्यवस्था में
अल्पकालिक तो प्रभाव पड़ता है अच्छा, लेकिन दीर्घकालिक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, कल्याण को, कल्याण की भाषा परिभाषा बदल दी गई है, तो मैं मानता हूं कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएगा। और हमको मालूम है डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिपेंडेंसी रेशियो के अपोजिट होता है। तो इसलिए बात को ध्यान रखना है। अगर मेंस में लिखना हो तो ये तर्क आप लिख सकते हो। हालांकि यहाँ कल्याण की भावना को दर्शा रहा है, मध्य प्रदेश जनजाति बाहुल्य राज्य है, इसलिए मैं ये सहमत हूँ इस बात के लिए कि सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रम करने चाहिए। महाकाल के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब महाकाल की रक्षा भी हम लोग करेंगे, अब ये समय आ गया है हमारा। उनके कॉरिडोर के विस्तार को बढ़ाया जाएगा जिससे इकोनॉमी डेवलप होगी और वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिससे कि लोगों को आमदनी में आसानी हो पाए, पर्यटन बढ़ पाए और इंजॉयमेंट की स्थिति बदल पाए। उज्जैन में अगर महाकाल को हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उज्जैन में कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर रह जाएगा। तो उज्जैन के लिए बहुत बड़ा पैकेज है, उज्जैन वासियों के लिए बहुत बड़ा पैकेज है। पूंजीगत व्यय में देखिए, सरकार का फ्लक्चुएशन देखिए कि 2011 में सरकार ने पूंजीगत खर्चा ज़्यादा किया, फिर 2012-13 में कम किया, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर बहुत बढ़ाया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया, फिर नॉर्मल रहा, फिर कम किया, अब निरंतर बढ़ा रही है। इससे ये समझ में आ रहा है कि सरकार को बात समझ में आ चुकी है कि यदि हम पूंजीगत खर्चा बढ़ाते हैं तो इन्फ्रा का निर्माण होता है, इन्फ्रा का निर्माण होता है तो स्किल्ड आता है, डेवलप होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती हैं और सरकार को इसकी ज़रूरत भी है। जब तक सरकार ने देखिए, ये वो समय काल रहा होगा जहाँ रोड वोड बहुत टूटी फूटी रही होंगी 2011-12 से पहले देख लीजिए। लेकिन शिवराज सरकार ने अब ये समझ लिया है कि हमें पूंजीगत खर्चों पे बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और अगर जितना हम टैक्स पे करते हैं यानी कि राजस्व इनकम होती है, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो वह राज्य जल्दी से आगे बढ़ पाएगा, मैं ये मानता हूँ। एक और शब्द आता है वैद्य आपके द्वार योजना। वैद्य आपके द्वार योजना का संबंध किससे है? तो आयुष मंत्रालय से है। जो आयुष डॉक्टर होते हैं उनके लिए योजना लाई गई है। तो वैद्य आपके द्वार जो आयुष से संबंधित जितने भी डॉक्टर बन रहे हैं उनको घर घर जाकर उनको भेजा जाएगा, वृद्धजनों का इलाज कराया जाएगा। सरकार की ये मुहिम का मैं स्वागत करता हूँ। एक और समझना, एक सिकल एनीमिया एक शब्द आ रहा है, सिकल सेल एनीमिया। तो मुझे कमेंट करके बताइए ये बजट में लिखा हुआ है किस बीमारी संबंधित है। सिकल सेल एनीमिया ये साइंस का क्वेश्चन बन चुका है ये मान लीजिए आप। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कमेंट करके बताइए, तो हम फिर आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ के लिए। आगे आते हैं तो सकल ऋण में अगर आप देखोगे, ऋण का मतलब है कि हमने कितना ऋण ले लिया है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा आप कि ये वो पीरियड है जब ऋण की मात्रा कम थी हमारे पास, कम कर्जा था, फिर अचानक से इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। अब समझो तुमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया, तो ये वही पीरियड है जब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। तो ये जो ऋण ले रहे हैं ये अच्छा ऋण मैं मानूंगा अभी, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा समय लेते हैं रिटर्न करने में। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरी तरह से बन जाएगा तो ये रिटर्न वापस आ जाएगा और हम इस ऋण के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। अभी मध्य प्रदेश वास्तव में बहुत कर्जे में चल रहा है, उसकी कुछ गलतियों की वजह से और कुछ खामियों नीतियों की वजह से और कुछ संतुष्टिकरण की राजनीति की वजह से। राजनेता को समझना चाहिए ये बहुत गंदा आंकड़ा है। हालांकि मध्य प्रदेश का इतिहास भी इसी के आसपास रहा है, तो अगर मैं इसको तुलना करता हूँ आज से 9-10 साल पहले, तो उस हिसाब से तो मध्य प्रदेश अपने ही रिदम में चलता हुआ चला जा रहा है। जब जब मध्य प्रदेश ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम किया है तभी तब ऋण की मात्रा भी कम हुई है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मध्य प्रदेश में ऋण बढ़ने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं और मेंस में इस शब्द को यूज भी कर सकते हैं। अब इधर देखिए ज़रा ध्यान से, प्रश्न ये आएगा आपके लिए, बजट में दिया गया है एकीकृत जो डिमांड कंट्रोल सेंट्रल है सिंचाई से संबंधित, पानी आपूर्ति संबंधित, इससे मध्य प्रदेश के कितने शहरों को संचालित किया जा रहा है? तो आंसर है 7 शहरों को संचालित किया जा रहा है। फिर पूछा जाएगा कि जो वन विस्थापन की अभी प्रोग्रेस चल रही है, लोगों को वन से विस्थापित किया जाता है तो उन्हें हरजाना दिया जाता है, तो यह हरजाना पहले 10 लाख रुपये था, इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की बात की गई है, बजट में प्रावधान किया गया है। मैंने बजट के उन हर पहलुओं को टच करने की कोशिश की है जो आपके प्री मेन से संबंधित हों, और चूंकि बजट पे ज़्यादा लंबा डिस्कस कर नहीं सकता हूँ, ये बजट उसको ज़्यादा समझ में आएगा जैसे थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी का ज्ञान हो। ब्याज राजस्व प्राप्तियाँ जो हैं, ब्याज और राजस्व प्राप्तियाँ जो हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे कि राजस्व प्राप्तियों के दौरान, तो ये देखो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर हम 2022-23 में खड़े हैं तो लगभग 11.4% के आसपास है, और जो ब्याज की उधारियाँ हैं वो 3.2% के आसपास है। दोनों आंकड़े आपको याद रखने की ज़रूरत है।
पैसा अधिनियम का संबंध किससे है, तो वन से संसाधन से संरक्षण से संबंधित है, और वनों का जो पारंपरिक प्रबंधन है वो अब ग्राम सभा के अंतर्गत किया जाएगा, ये पैसा अधिनियम में बोला गया है। और जो तेंदुपत्ता के लिए लाभांश दिया जाता था मध्य प्रदेश में 70%, अब उसे बढ़ाकर 75% कर दिया जाएगा। तो पैसा अधिनियम वनों के संबंध संरक्षण से संबंधित है, प्रबंधन संबंधित है, और मैंने लिखा है कि वनों का अब जो पारंपरिक प्रबंधन है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा, ऐसा पैसा अधिनियम में बोला गया है बजट के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। ये वाला देखिए राजकोषीय घाटा कितना खतरनाक फ्लक्चुएशन आ रहा है कि 2017-18 में मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा यानी बाजार की उधारियां 4.32% थी, और फिर ये वो समय काल है जब हम कोरोना काल से गुजर रहे थे, तो ये वो समय पीरियड है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा यानी बाजार की उधारियाँ 5.44% के आसपास, और वर्तमान में रहने का अनुमान है 4.56% के आसपास। यानी पिछले साल जो अनुमान था वो 4.18% है, लेकिन वर्तमान में यानी भविष्य में इतना हो सकता है, तो भविष्य में सरकार अभी और उधार लेगी, और मैं अभी बोल चुका हूँ अगर सरकार उधार ले रही है तो इसका मतलब है सरकार कैपिटल खर्च कर रही होगी, तो ये अच्छा संकेत है। लेकिन ज़्यादा उधार नहीं ले सकते हैं, FRBM एक्ट एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, FRBM एक्ट में लिखा हुआ है कि हम कितने परसेंट तक कुल उधारी का कुल GDP का ऐसा उधार ले सकते हैं। देवारण्य योजना क्या है, तो देवारण्य योजना का संबंध है वनों की औषधि के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए, जो वनों का जो वन उपज से संबंधित आप समझते हैं जैसे खैर हुआ, लाख हुआ, तेंदुपत्ता, ये वन उपज है, ऐसे ही वनों से कुछ औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं, उन औषधियों के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए एक नई योजना लॉन्च की जाएगी, इसे देवारण्य योजना कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर एक शब्द आता है कि वेतन का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत बताइए आप, तो वेतन का राजस्व प्राप्ति अगर आप देखोगे कितना कितना राजस्व मिल रहा है वेतन से, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिए कि 2022-23 में लगभग 26 और 2021-22 में लगभग 25% के आसपास था, बस आप इतने पॉइंट को याद रखें। अभी वेतन पेंशन ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों में क्या है, तो वेतन से कितना मिलता है 26, पेंशन से कितना मिलता है जो राजस्व है वो 9, ब्याज भुगतान लगभग कितना जाता है तो 11, टोटल योग कितना हो जाता है लगभग 47% के आसपास ये हो जाता है। एक और शब्द आता है मेडिकल पार्क, जो है मेडिकल डिफाइंड पार्क है वो कहाँ खोला जाएगा, तो आंसर है उज्जैन में, तो मेडिकल पार्क कहाँ खोला जाएगा तो उज्जैन में खोला जाएगा। फिर अगला आता है कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र का प्रावधान बताइए, तो इसमें देखिए अनुसूचित जनजाति जो सब स्कीम है उसके लिए लगभग 23% प्रावधान किया गया है, और जाति के लिए लगभग 16% प्रावधान किया गया, और सामान्य के लिए लगभग 60% का बजट में प्रावधान किया गया है। तो अगर जनजाति में देखना तो इन्होंने बढ़ा दिया है पिछले साल से, क्योंकि आपको भी मालूम है कि कास्ट पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, तो उसे उन्होंने यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। फिर पीछे एक पॉइंट और रह गया जो आपको यहाँ देखना है कि CM मत्स्य विकास जो योजना है उसके लिए सरकार एक फंड बनाएगी 50 करोड़ रुपए के लिए प्रस्तावित है मत्स्य मध्य प्रदेश में। अब अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के जो बैकवर्ड क्षेत्र है, कृषि वाला क्षेत्र है, उसमें इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। CM ने कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो CM ने एक पशुपालन विकास योजना भी लाई है, इसके लिए भी मत्स्य पालन की तरह 150 करोड़ का एक फंड बनाया जाएगा, ये भी प्रस्तावित है। और अगर कृषि क्षेत्र में आप देखते हो तो कृषि कल्याण और कृषि विकास विभाग के लिए 3% पिछले साल की अपेक्षा, सहकारिता के लिए 68%, पशुपालन डेयरी के लिए 35%, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण में बजट इस बार कम कर दिया गया है, मछुआरों के लिए 28% एक्स्ट्रा, तो कुल बजट का लगभग 8% अगर आप देखोगे तो सरकार ने कृषि क्षेत्र पर दिया है, लगभग 40 करोड़ रुपये के आसपास सरकार खर्च कर रही है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नगरीय और ग्रामीण विकास के लिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप ये पाओगे कि ग्रामीण विकास में पिछली की अपेक्षा 74% बढ़ोतरी हुई है, नगरीय विकास आवास में 1% की कमी कर दी गई है बजट में, पंचायत विभाग के लिए 37% एक्स्ट्रा दिया है, तो कुल बजट का लगभग 36% वो इस पर खर्च करने के लिए तैयार है सरकार, और इसमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा क्योंकि यह इंफ्रा संबंधित है। इसमें कुछ टर्मोलॉजीज हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम सरकार ने चलाया है, इसमें कुछ जिलों के संबंधित कुछ उत्पाद होंगे, जैसे अगर मालवा संतरा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आएगा, एक जिला एक उत्पाद ध्यान रखना, इंदौर आलू, बुरहानपुर केला, मंदसौर लहसुन, और सीताफल सिवनी, शहडोल हल्दी, और अमरूद शिवपुर, ये एक उत्पाद एक जिले के अंतर्गत हैं, मैंने बोल दिया है, रिपीट करके सुन लीजिएगा। इसी के साथ सरकार ने एक नई योजना लागू करने की बात बोली है जिसे हम निर्यात प्रोत्साहन योजना कहते हैं।
यह निर्यात प्रोत्साहन इन एक उत्पाद एक जिला वाले जितना भी सामान इनको निर्यात करने का प्रयास करेगी तो यह लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। अधोसंरचना में अगर आप देखोगे तो सरकार ने अपने बजट में किस प्रकार से विविधीकरण किया है। ऊर्जा विभाग का बजट इस बार बढ़ा दिया है, लोक स्वास्थ्य का बजट केवल 1% बढ़ाया है, लोक निर्माण का विभाग केवल 3% बढ़ाया है और जल संसाधन विभाग का बजट 7% कम कर दिया है क्योंकि पिछली बार उन्होंने अच्छे से काम किया ही नहीं था। और नर्मदा घाटी विकास का भी इन्होंने बजट कम कर दिया है, हर हर नर्मदे, और 10% लगभग इसमें अधोसंरचना क्षेत्र में कुल बजट का खर्च होने वाला है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर आप देखते हो तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने महिला बाल विकास के लिए 13% पिछले की अपेक्षा बढ़ा दिया है। चिकित्सा और शिक्षा विभाग के लिए कम किया है, -4% कम किया है, इसलिए यूक्रेन में पढ़ना जाना पड़ रहा है। आयुष विभाग के लिए 8% पिछली बार की अपेक्षा बढ़ा दिया गया, तो स्वास्थ्य में इस बार उन्होंने ठीक ठाक खर्च किया है 18% के आसपास। इसके साथ मैं फिर से कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखी होंगी जो मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के 89 विकास खंडों में एक योजना चलाई जा रही है, राशन आपके ग्राम योजना। राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश के 89 विकास खंडों में चलाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर हम यहाँ आते हैं, 2070 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भारत एक नेट जीरो एमिशन राज्य बन जाएगा और देश बन जाएगा और उसमें मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। यह नेट जीरो एमिशन का मतलब CO2 का उत्पादन भारत बिल्कुल शून्य कर देगा, तो उसके लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश वर्तमान में लगभग 5000 मेगावाट से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन कर रही है और अगर मैं इसका सिक्वेंस देखूंगा तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा पवन से, फिर सौर से, फिर बायोमास से, फिर लघु विद्युत परियोजना के द्वारा इसका उत्पादन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इधर आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैंने कहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार उन्होंने अपना बजट बढ़ा दिया है, तो देखिए 7% बढ़ाया है, 1% उच्च शिक्षा में उन्होंने कम बढ़ाया हुआ है, तकनीकी शिक्षा में उन्होंने इस बार 12% के लिए बढ़ा दिया है, टोटल 7% एक्स्ट्रा बढ़ाया है क्योंकि पिछली बार 25 के आसपास थे, इस बार उन्होंने 27 के आसपास कर दिया, 27 से ज़्यादा 30 के आसपास पहुँच गई गाड़ी। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में भी अगर आप देख पा रहे होगे तो ये इतना काम का नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो। मध्य प्रदेश में जो कुल ऊर्जा का उत्पादन की क्षमता है वो 21451 मेगावाट है, ऊर्जा उत्पादन की क्षमता, विद्युत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता की बात कर रहा हूँ, और जबकि 15954 मेगावाट एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश ने मैक्सिमम ऊर्जा की आपूर्ति की थी। तो आपूर्ति करना अलग चीज़ है, क्षमता अलग है। क्षमता हमारे पास है कि हम 21000 मेगावाट उत्पादन कर सकते हैं, इतना स्थापित है, लेकिन सभी चला नहीं रहे हैं, जिससे चला रहे हैं जितनी उत्पादन हो रही है वो 15000 के आसपास है। मध्य प्रदेश ने मैक्सिमम कितना प्राप्त किया था, 15954 मेगावाट, ये रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश का आपूर्ति करने का, विद्युत की आपूर्ति करने का, समझ में आ रहा है। तो सामान्य सेवा में देखें, गृह विभाग का बजट 9% बढ़ा दिया गया है, राजस्व विभाग का बजट बढ़ा दिया गया है 23%, वन विभाग का बजट बढ़ा दिया गया है 14%, तो कुल मिला के पिछली साल की अपेक्षा इन तीनों का 15% के आसपास बजट बढ़ा दिया गया है। बुरहानपुर हर घर जल जिला घोषित कर दिया गया है बुरहानपुर को, और वहीं अगर सिंचाई क्षमता मध्य प्रदेश की देखें तो वर्तमान में 43 लाख हेक्टेयर है क्षमता, सिंचाई क्षमता, और सिंचित क्षेत्र अलग है, सिंचित क्षेत्र लगभग 110 लाख हेक्टेयर के आसपास होगा और ये 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर के आसपास करने की सोच रही है मध्य प्रदेश सरकार। तो ये एक छोटा सा बजट का व्यू था जो मैंने आपको दिया है, और अब हम एक क्लास आपके लिए लेकर आने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के लिए। आपको अगर कुछ सलाह पूछनी है, पूछना है, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।